वीडियो। सो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है नया साल, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड अभी तो बज रहे हैं 12 और ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं। एंड फिलहाल तो आज ज़िंदगी में पहली बार जाना है मुझे हैप्पी न्यू ईयर यानी न्यू ईयर पार्टी में, जो कि है पार्लर में। आपको बताया था ना कि अगर एक तक कुछ प्लान होगा तो आप लोग को भी दिखाएंगे, तो फिर आप लोग को भी ले चलेंगे। फिलहाल अभी 1 बजे जाना है, अभी तो 12 ही नहीं बजे हैं। एंड वैसे 50 रुपये की 50 रुपये मिला है, तो फिर पार्टी में तो जाना तो बनता है, फ्री की पार्टी तो नसीब ही नहीं है। 50 रुपये मिलाया है, वैसे तो आंटी जी को करना चाहिए जो हमारी पार्लर की ऑनर हैं, बट हो गया, वो नहीं की हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग ने 50-50 रुपये मिलाया, वो भी मिलाई है कुछ। तो फिर वही प्लान बना है, कुछ 6-7 लोग हैं हम लोग, तो चलिए अभी चलेंगे। फिलहाल तो आज न्यू ईयर के साथ साथ एक चीज़ और है जो कि आगे चल के पता चलेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, है घर ही का कोई है, मतलब हाँ है कुछ, पर हो गया बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी इस समय कुछ बनाया नहीं है, वही दाल चावल, आज कुछ भी स्पेशल खाया नहीं है। अभी जाएंगे पार्टी में तो देखते हैं क्या क्या रहेगा, वही खाएंगे। एंड फिर शाम को देखते हैं कुछ बनेगा तो वही स्पेशल रहेगा आज के लिए तो फिलहाल। एंड चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में और अभी देखिएगा सीधा पार्टी मिलेंगे तो। सो गाइज यहाँ पास पहुँच चुके हैं हम पार्टी में और अभी ये सब लोग बात कर रहे हैं, अभी जब तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ है, यही एक तो दीवार में झालर टंगा दी गई है, बस हो गया। और अभी देखते हैं हो रहे हैं, सज रहा है आगे, तो बने रहिए। नहीं कुछ सजावट थी, एक झालर और ये थोड़ा फुग्गा वगैरह, बस हो गया। और बाकी ये सब की चल रही है सेल्फी, अब मैं आगे लगा दूंगी म्यूजिक, आगे अब कुछ नहीं होगा, वही नाश्ता पानी आप लोग देखिएगा। नाश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं, नमकीन बिस्कुट और छोला समोसा ये सब रहता है, बाकी म्यूजिक लगा देंगे आप लोग देखिए। बस बहुत इन्जॉय किया, बस बहुत मज़ा आया, छोटी सी पार्टी थी बट बहुत मज़ा आया। चुके हैं घर और कितने बजे आए हैं पता है, कितने बजे गए थे, 12:30 बजे चले गए थे और आए हैं अभी 4:30 बजे। तो बहुत मज़ा किया, पहली बार न्यू ईयर पार्टी इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। फिलहाल और स्वेटर भी चेंज कर लिए हैं, अब जा रहे हैं चाय पीने, थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ी थकाई मिटाने चाय पी लें। और जिन भैया बोल रहे हैं हमारे, आज बोले थे ना और कुछ भी है, तो वही इसी जिमी भैया से रिलेटिव ही है कुछ चीज़, चलिए फिर बाद में बताएंगे। अभी सेलिब्रेशन उसका भी करेंगे, अभी वहाँ तो कर ही आए हैं, बल्कि बहुत मज़ा आया, अभी इंजॉय कर रहे थे, अभी पीलो गेम खेल रहे थे तो वही खेल के आए हैं और बस हो गया पार्टी ओवर। सब कुछ चले गए अपने घर और हम आ गए अपने घर और जा रहे हैं चाय पीने, तो आपसे मिलते हैं चाय पीने के बाद। सो है गाइस वेलकम बैक, और अभी बज रहे हैं 8:00 एंड अभी कुछ भी खाना नहीं बना है क्योंकि आज हम लोग फिर से नाश्ता करने वाले हैं। एंड ना और मैंने उस नाश्ते की तैयारी कर ली है, आपको दिखा दिए, देखिए मैंने चटनी पीस ली है, ये है ग्रीन ये है टमाटर धनिया वाली चटनी, एंड ये है वो लाल वाली चटनी जिसमें जो मोमोज के साथ खाई जाती है, वो वाली जो मैंने एक बार और बनाई थी,
दो बार बना चुकी है, तीसरी बार है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो जो नाश्ता बन रहा है वो है पनीर का पकौड़ा, तो उसमें शायद बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने इसे बनाई है। बाकी मेरे घर वालों को यानी कि नाना जी को, मामा जी को शायद ये वाली पसंद ना है, इसलिए मैंने उनके लिए ये वाली बना ली और अपने लिए ये वाली बना ली। अगर वो खाएंगे तो ये वाली भी दे देंगे। और इसमें है प्याज और लहसुन वगैरह मैंने पीस के रख दिया है, और अभी थोड़ी उसकी तैयारी भी नहीं हुई है, बाकी अभी नाना जी भी नहीं आए हैं, अभी गाड़ी लेट है लगता है, तो गाड़ी निकाल के ही आएंगे। देख लीजिए 8 बज चुके हैं, बाकी और लोग को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तो देखिए नानी जी एक नींद लिए पड़ी हैं अपना, और हमारे जिम्मी भैया आज पता नहीं अंदर ही नहीं आ रहा है, कब से हो गया, इतनी इतनी ठंडी है, बाहर ही बैठा है। अच्छा आग जल रही है, अकेला है ताप पे, अकेला है। ये रहा जिम्मी भैया, आज है हमारे जिम्मी भैया का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जिम्मी भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे जिम भैया का बर्थडे, जो हमने आप लोग बता रहे थे ना कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल है, तो है जिम भैया का बर्थडे। वैसे हमारे जिम भैया का बर्थडे आज के दिन नहीं है, आज के दिन ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज या कल ऐसे परसों से कुछ आगे पीछे आया था हमारे घर में, तो हम एकदम छोटू सा था, आँख बस खुली थी इसकी, तब ये आया था। इतना बड़ा सा था, इतना बड़ा सा, तो मैं ब्लॉग थोड़ी बनाती थी, तो इतना सब था, क्या बताया आपको, फ़ोटो दिखाएंगे किसी दिन। तो हमने सोचा कि चलो 1 तारीख को इसका बर्थडे भी कर देते हैं, तो आज के दिन हम न्यू ईयर के दिन ही इसका बर्थडे भी मना लेते हैं। तो इसके बर्थडे के तैयारी में कुछ है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पेस्ट्री वगैरह है, और सोचे थे करने के लिए, बट हो गया पार्टी में चले गए इसलिए नहीं करें। तो केक तो नहीं है, पेस्ट्री है, तो अभी वही सब कट होगा। और सो गाइस यहाँ पास आज तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा कुछ केक, और इसमें हमारे पास कैंडल नहीं थी, तो ये देखिए क्या है, आपको दिख रहा है कुछ है, माचिस लगाए हैं, इस प्रकार का केक है जो कि पेस्ट्री है। और ये रहा जिम्मी भैया, वो डर रहा है, आ ही नहीं रहा, चाकू हटा ले, और चाकू के नाम पर हमारे पास क्या नाइफ, हमारे पास यही वाली थी, इसमें मिली नहीं थी, इसमें नहीं मिलती है, केक में मिलती है, थी 2-3 तो केक वाली, पर तोड़ के फेंक दी, पता ही नहीं था। हाँ जी भाई बर्थडे, वो इतना दूरी बैठे थे, देखो पता किसे डर रहा है, ये माचिस से डर रहा है, ये जलेगी नहीं इसलिए डर रहा है। तो हाँ जी भैया काटेंगे केक, जल्दी आओ यार, हाँ साल तो पहला